हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे एटम मॉलिक्यूल एंड आयन, ये केमिस्ट्री का जो है थर्ड चैप्टर था, जिसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और एटम के बारे में जो है हम लोग पिछले क्लास में उसका डिफिनेशन वगैरह पढ़ लिए थे, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ ये सब के बारे में जानकारी हो गई थी। आज जो हम लोग डाल्टन साहब का जो एटॉमिक थ्योरी था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डाल्टन साहब जो है पहला जो इनका जो थ्योरी था, कहता कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें एटम कहते हैं और इसे खंडित नहीं किया जा सकता है। क्या कहा डाल्टन साहब का जो पहला जो एटॉमिक थ्योरी था वो क्या कहें कि सभी पदार्थ है ना, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है और जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये डाल्टन्स का जो है पहला थ्योरी था। फिर सुन लीजिए डाल्टन साहब क्या बोले कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसी का नाम उन्होंने एटम रखा। क्या कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, उसी सूक्ष्म कण को जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो है डाल्टन साहब बोले एटम है ना। और वो कहे क्या ये जो है डिविजिबल नहीं, अनडिविजिबल है, यानी कि इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये डाल्टन का जो है पहला थ्योरी था। दूसरा थ्योरी जो है किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं का न तो निर्माण ही किया जा सकता है और न ही नाश किया जा सकता है, यानी कि परमाणु जो है अनश्वर है। डाल्टन का सेकंड थ्योरी जो था वो क्या था कि परमाणु को न तो किसी विधि से बनाया जा सकता है न इसे तोड़ा जा सकता है। अब वो क्या कहें कि एटम जो है अनश्वर है, यानी कि वो ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है, यानी कि वो विभाजित वगैरह नहीं हो सकता है, उसका कोई रूप नहीं हो सकता है चेंज होकर के, है ना। तो दूसरा थ्योरी क्या बोले कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा एटम का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसे विभाजित किया जा सकता है। ये डाल्टन का जो है सेकंड थ्योरी था। थर्ड थ्योरी जो है कहता है कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण आदि समान होते हैं। क्या कहा कि कोई भी तत्व जो है, किसी भी तत्व का सभी परमाणु समान होता है, किसी भी तत्व का सभी परमाणु जो है समान होता है, जैसे उसका आकार, उसका आयतन है ना, उसका आकार एवं आयतन, उसका द्रव्यमान, उसका केमिकल प्रॉपर्टी सब आपस में समान होता है। ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था और इसका एजम्पशंस था, यानी कि उसकी मान्यता थी कि ये एटम ऐसा है। बाद में उसमें बहुत सारा चेंजिंग आया, बहुत सारा वो थ्योरी जो है गलत भी साबित हो गया है ना, तो ये सब थ्योरी भी जो है लगभग गलत ही हो रहा है। लेकिन जो थ्योरी डाल्टन का था वो हम लोग पढ़ रहे हैं, बाद में जो है डाल्टन्स के थ्योरी का जो सुधार होगा क्या सही है मॉडर्न साइंस के हिसाब से, वो थ्योरी फिर हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या बोला तीसरा थ्योरी कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, उसका आकार, उसका आयतन, उसका द्रव्यमान है ना, और वह रासायनिक गुण सभी एक दूसरे से बिल्कुल समान होते हैं। चौथा पॉइंट बोलता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण वाले होते हैं। क्या कहा विभिन्न तत्वों के परमाणु, विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण वाले होते हैं। ठीक है,
पांचवा पॉइंट बोलता है कि रासायनिक मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। क्या कहा? केमिकल कॉम्बिनेशन के पश्चात दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर कंपाउंड का निर्माण करते हैं। फिर सुनिए, केमिकल कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके कंपाउंड का निर्माण करते हैं। छठा पॉइंट है कि केमिकल कॉम्बिनेशन में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिकीय अनुपात 1:1, 1:2, 2:2, 2:3 आदि से संयोग करते हैं। क्या कहा? रसायन केमिकल कॉम्बिनेशन में विभिन्न तत्वों के यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम सरल सांख्यिकीय अनुपात जैसे 1:1, 1:2, 2:3 है ना आदि से जो है ये संयोग करते हैं। ये डाल्टन्स का जो है छठा थ्योरी था। सातवां थ्योरी जो है एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। क्या कहा? एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एक से अधिक कंपाउंड बना सकते हैं। ये जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था और ये डाल्टन्स आपका जो है एजम्पशंस था, एजम्पशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी कि डाल्टन साहब की एटॉमिक सिद्धांत के बारे में ऐसी ही धारणा थी, ऐसी मान्यता थी जो कि हम लोग पॉइंट वाइज इसको पढ़े, 7 पॉइंट में पढ़े। अब जो है हम लोग डाल्टन साहब का जो थ्योरी था इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, प्रॉपर्टीज ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी कि इसका हिंदी हो गया डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत का गुण। कहता है कि इसका पहला गुण जो था डाल्टन साहब का सिद्धांत का, कहता इस सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है, यानी कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का जो है व्याख्या किया जा सकता है। क्या कहा? कि इस सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। ये डाल्टन साहब का जो है पहला गुण हुआ। दूसरा जो है, सर्वप्रथम डाल्टन ने ही तत्व के अंतिम कण परमाणु और यौगिक के अंतिम कण यौगिक परमाणु में विभेद किया, डिफ्रेंशिएट किया। क्या कहा? डाल्टन साहब ने ही सबसे पहले तत्व के अंतिम कण परमाणु और यौगिक के अंतिम कण यौगिक परमाणु में विभेद किया। यौगिक का अंतिम कण आगे चल करके जो है अणु कहलाया। यौगिक परमाणु क्या कहलाया? अणु कहलाया, मॉलिक्यूल्स कहलाया, ठीक है। तीसरा जो इनका गुण था इनके थ्योरी का, कि इस सिद्धांत की सहायता से केमिस्ट्री को विकसित करने में काफ़ी सहूलियत हुई। क्या कहा? इसके डाल्टन साहब का जो थ्योरी था इसके थ्योरी के हिसाब से जो है मॉडर्न केमिस्ट्री को आगे बढ़ने का मौका मिला। तो ये जो है इनका तीन ठो जो है गुण था। अब हम लोग जो है, अब कोई भी आदमी कोई काम करता है तो कुछ उसमें गुण भी होता है, कुछ उसका डिफेक्ट भी होता है, दोष भी होता है। तो डाल्टन साहब जो अपना एटम के संबंध में जो थ्योरी दिए थे
उसमें बहुत सारा एरर भी था, बहुत सारा वो गलती भी कर दिए थे, है ना, बहुत सारा थ्योरी आज उनका गलत हो गया एटम्स के संबंध में। तो क्या क्या वो गलत कर गए उसके बारे में हम लोग अभी देख पढ़ेंगे। तो डाल्टन्स डिफेक्ट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डिफेक्ट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक डिफेक्ट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी के डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। तो पहला जो डिफेक्ट था इनका थ्योरी का वो क्या था कि इनका कहना था, पहला पॉइंट जानिए कि डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है, है ना, ये अविभाज्य है। क्या कहा डाल्टन साहब का सिद्धांत ये था कि परमाणु जो है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, ये एक अविभाज्य कण है, जो कि बिल्कुल गलत साबित हो गया। अभी जो मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से जो है परमाणु को, परमाणु जो है भाज्य कण है, यानी कि डिविजिबल पार्टिकल्स है, है ना, डिविजिबल पार्टिकल्स है, और ये कई भागों में जो है टूट गया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, मेजोन, मिकॉन, कैनॉन, पियॉन्स, न्यूट्रिनो, न जाने और भी बहुत सारा जो है पार्टिकल्स था, जिसमें कि एटम जो है डिवाइड हो गया, एटम जो है डिवाइड हो गया। और लगभग अभी जो है मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो है एटम को जो है लगभग 129 पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया गया, यानी कि एटम के अंदर में अब तक जो है 129 यानी कि 129 पार्टिकल्स में उसको डिवाइड कर दिया गया, यानी कि डाल्टन का जो है ये जो पहला सिद्धांत था ये बिल्कुल गलत साबित हो गया। डाल्टन्स का ये जो पहला सिद्धांत था ये बिल्कुल गलत साबित हो गया। क्या था पहला सिद्धांत कि परमाणु जो है इसे खंडित नहीं किया जा सकता, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि ये अनडिविजिबल है, अविभाज्य कण है। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट के द्वारा जो है परमाणु जो है डिविजिबल भी हुआ और इसे जो है 129 पार्टिकल्स में जो है डिवाइड कर दिया गया, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेजोन, मिकॉन, कैनॉन, पियॉन, न्यूट्रिनो, ईटीसी, है ना, ये जो है पहला डिफेक्ट जो है, ड्रॉबैक जो है डाल्टन्स के थ्योरी का था। दूसरा जो है डाल्टन्स के सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं। क्या कहा डाल्टन्स के थ्योरी के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिन्हें हम लोग आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं। आइसोटोप्स जो है यहाँ पर एक नया वर्ड आया, आइसोटोप्स को हिंदी में जो है समस्थानिक बोलते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसा होता है जिसका कि एटॉमिक नंबर जो है अलग अलग होता है, जैसे कार्बन ही है मान लिया, है ना, आइसोटोप्स में क्या कहता है कि वैसा तत्व का परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो जैसे आइसोटोप्स में यहाँ बोला, जैसे एग्जाम्पल लिए हम कार्बन, तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और एक कार्बन है इसका भी एटॉमिक नंबर 6 होता है, है ना, कार्बन का दोनों का एटॉमिक नंबर सेम हुआ 6 6, लेकिन इसका एटॉमिक मास जो है 12 हुआ और इसका एटॉमिक मास जो है 14 हो गया, जबकि दोनों जो है कार्बन ही एलिमेंट था, है ना, और एटॉमिक नंबर जो है दोनों का सेम हुआ
लेकिन एटॉमिक मास यानी कि एटॉमिक वेट जो है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जो है वो डिफरेंट हो गया, वो क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे डाल्टन साहब कहे कि सभी तत्वों का परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो मतलब कि समान परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल समान होता है, किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान जो है समान होता है, जो कि गलत था। आइसोटोप्स का जब खोज हुआ तो पता चला कि एक ही परमाणु है, एक ही तत्व है जिसका कि एटॉमिक मास अलग अलग है, एक ही कार्बन है, एक का जो है 12 है, एक का 14 है। जैसे मान लिया गया क्लोरीन ले लीजिए, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है ना, लेकिन इसी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 37 है। तो दोनों क्लोरीन हुआ, दोनों का जो है एटॉमिक नंबर जो है सेम हुआ, बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। यही जो है आइसोटोप्स कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन में भी जो है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन हो गया 1H1, ड्यूटेरियम हो गया 1H2, ट्रिटियम हो गया 1H3, है ना, यानी कि हाइड्रोजन 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रिटियम 1H3, यानी कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, यानी कि ये तीनों जो है हाइड्रोजन का ही आइसोटोप्स है, तीनों जो है हाइड्रोजन का ही आइसोटोप्स है। जब आइसोटोप्स का खोज हुआ तो डाल्टन साहब का जो ये थ्योरी था ये बिल्कुल गलत हो गया। क्या थ्योरी था कि डाल्टन साहब के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो है समान होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है, जो कि मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से बिल्कुल गलत हो गया। जब आइसोटोप्स का खोज हुआ तो एक ही तत्व के परमाणु का जो द्रव्यमान था वो अलग अलग हो गया, वो अलग, जैसे कार्बन का 12-14 हो गया, क्लोरीन का 35-37 हो गया, हाइड्रोजन का जो है 1-2-3 हो गया, यानी कि 1H1, 1H2, 1H3 हो गया, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम हो गया। जैसे एक एग्जांपल और है यूरेनियम का, यानी कि यूरेनियम में क्या हो जाएगा, 92U-235 और 92U-238, यानी कि यूरेनियम जो है का एटॉमिक नंबर 92 होता है, इसका भी 92 होता है, लेकिन एटॉमिक मास इसका 235 हो गया, उसका 238 हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि 4 एग्जांपल हम लोग देखे, और भी एग्जांपल हो सकता है कि इसमें जो हम लोग देखे कि एक ही तत्व का परमाणु जो है उसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है, जबकि डाल्टन साहब कहे कि एक ही तत्व के जो परमाणु होंगे उसका परमाणु द्रव्यमान भी जो है समान ही होगा, जो कि गलत था। तो ये हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का सेकंड ड्रॉबैक देखें। थर्ड पॉइंट जो है ड्रॉबैक का वह क्या है, कहता है कि परमाणु एटॉमिक थ्योरी के मान्यता के हिसाब से विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, यह हमेशा सही नहीं है, यह हमेशा सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले भी होते हैं जिसे आइसोबार कहते हैं। क्या कहा, चौथा पॉइंट डाल्टन साहब का ये बोला, तीसरा पॉइंट डाल्टन साहब का बोला कि एक ही तत्व का परमाणु है उसका जो है परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होगा, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा, परमाणु द्रव्यमान नहीं, परमाणु द्रव्यमान समान होगा, परमाणु द्रव्यमान समान होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। जब आइसोबार्स यानी कि संभारिक का खोज हुआ मॉडर्न साइंटिस्ट के जरिया, तो बोला गया कि अलग अलग एलिमेंट का भी एटॉमिक मास जो है सेम हो सकता है, सेम होता है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, आइसोबार यहाँ लिख दीजिए, आइसोबार को हिंदी में हम लोग संभारिक कहते हैं। जैसे आपको मान लिया गया पोटासियम है ना, आर्गन पहले ले लीजिए, 3 एलिमेंट है, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटासियम का 19, कैल्शियम का 20। ये तीनों जो है डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
कि तीनों का जो मास नंबर है, परमाणु द्रव्यमान है, वो बिल्कुल समान है। तो इसका 40, इसका भी 40, इसका भी 40, ये जो है डिफरेंट टाइप का एलिमेंट हुआ, जिसका कि एटॉमिक मास जो है डिफरेंट हो गया, है ना, एटॉमिक मास जो है सेम हो गया, बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। ऐसे एलिमेंट के करेक्टर को हम लोग आइसोबार कहते हैं। क्या कहा कि विभिन्न प्रकार के तत्वों का, विभिन्न प्रकार के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो है डाल्टन साहब के थ्योरी के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से जब ये खोज हुआ तो ये पता चला कि जब आइसोबार का खोज हुआ तो पता चला कि डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट का भी जो है एटॉमिक मास सेम होता है, जो कि यहाँ पर इस करेक्टर को हम लोग आइसोबार कहें, आर्गन पोटासियम कैल्शियम के केस में हम लोग देखें। ये जो है इनका जो है डाल्टन साहब का थर्ड ड्रॉबैक था। फोर्थ ड्रॉबैक में क्या हो गया कि जैसे चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा यानी कि डायमंड, ये तीनों कार्बन परमाणुओं से बने हुए हैं। ये तीनों चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब क्या है, कार्बन का ही एलोट्रोप्स है, अपरूप है, किंतु इनके गुणों से किंतु इनके गुणों में अस्पष्ट अंतर होता है, इनके गुणों में अस्पष्ट अंतर होता है, जिसे डाल्टन क्या परमाणु सिद्धांत समझाने में असफल रहा। जैसे यहाँ पर कहा कि जैसे चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड, है ना, ये क्या कहे इसके बारे में, कहे कि ये तीनों जो है कार्बन का ही एलोट्रोप्स था, और इसके बारे में ये बता अपरूप था, इसके बारे में ये बोले कि इसका जो गुण है, सबका गुण जो है क्या हुआ, एक जैसा, यानी कि गुण जो है से साफ अस्पष्ट अंतर नज़र आता है। और इसके रासायनिक गुण के बारे में जो है डाल्टन साहब जो है समझाने में समर्थ नहीं हो पाए। जैसे कहा गया कि ये तीनों जो है कार्बन का ही एलोट्रोप्स है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्बन का फॉर्मूला C होता है, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो डायमंड हो, सभी का जो है केमिस्ट्री में जो सिंबल लिखा जाएगा फॉर्मूला वो सी ही लिखा जाएगा। और जब इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करके जलाया जाएगा तो सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ही चेंज हो जाएगा, सभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ही चेंज होगा, चाहे वो कोयला हो, है ना, चाहे वो चारकोल हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, सभी को जो है हम लोग सी के द्वारा ही डिनोट करते हैं। तो ये जो है हम लोग डाल्टन्स का जो है ड्रॉबैक, यानी कि जो डिफेक्ट था, वो तीन डिफेक्ट था, वो तीनों को हम लोग बारी बारी देखें, और आप लोग भी जो है इसका नोट्स जो है धीरे धीरे बना लेंगे इस चैप्टर का, यानी कि एटम के डिफिनेशन के बारे में पहले पढ़ा दिया गया, आज जो है हम लोग फिर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में ही पढ़ाया गया, वो दोनों लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी लिख लीजिएगा, और जो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिख लीजिएगा, डाल्टन्स का प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, डिफेक्ट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिख लीजिएगा। इतना नोट्स जो है बना करके आप लोग अपने मोबाइल से जो है हमारे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, ताकि वो चेक हो जाए। ठीक है, थैंक यू।